लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा था उस पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दंगाइयों के सामने नतमस्तक होने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते, दंगाइयों के सामने वो नाक रगड़ते हैं। ये बोला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ২০১৭ के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने हैं, सपना देख रहे हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने हैं, सपना देख रहे हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। हो सकते इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से करारा प्रहार किया गया है अखिलेश यादव के उस बयान पर। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने आखिर कहा क्या था ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकार बनते ही गोरखपुर भेजेंगे सबसे पहले बुलडोजर। ये अखिलेश यादव ने कहा था। उन्होंने कहा कि सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा, बीजेपी सरकार निर्दोष लोगों को फंसा रही है, यह भी उन्होंने कहा है। यानी कि देखिए, बुलडोजर एक्शन पर हमेशा सवाल अखिलेश यादव उठाते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब उनको दिया। उन्होंने कहा कि सभी के हाथ जो है बुलडोजर पर सेट नहीं बैठते हैं और जो दंगाइयों के आगे नाक रगड़ते हैं वो बुलडोजर के सामने पस्त हो जाते हैं। तो करारा प्रहार ये माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो देखिए, बुलडोजर को लेकर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है और अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, इसे लेकर विपक्ष पहले से ही सवाल उठाता रहा है और आज एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जो हमला किया है मुख्यमंत्री पर और उसे लेकर मुख्यमंत्री ने पलटवार भी कर दिया, किस तरीके से अब इस पूरी सियासत को देखा जाए? देखिए, बुलडोजर की गहमा गहमी कोई उत्तर प्रदेश में नई चीज नहीं है, लगातार इसको लेकर वाद विवाद होता रहता है, विधानसभा तक इसको लेकर वाद विवाद हुआ है। लेकिन नया क्या हुआ है? नया ये हुआ है कि पिछले दिनों गोरखपुर से आए हुए तमाम जो विधायक, तमाम सपा के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे थे अखिलेश यादव से मिलने के लिए सपा कार्यालय पर। बात छिड़ी कि सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या बातचीत हो रही है। इस बात पर अखिलेश यादव ने कहा, उन अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि 27 में जब सरकार आएगी तो बुलडोजर की दिशा गोरखपुर की तरफ देंगे। और इसके बाद कार्यकर्ताओं को उन्होंने और दूसरी बातें कही। अब इसी की प्रतिक्रिया में आज सुबह लोकभवन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा व्यंग कसते हुए कहा कि बुलडोजर की स्टीयरिंग पर सबका हाथ सेट नहीं होता, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति, दरअसल बुलडोजर न्याय का एक प्रतीक उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन, चाहे वो अतीक का मामला रहा हो, चाहे वो मुख्तार और उसके गुर्गो से जुड़े हुए अलग अलग ठिकाने रहे हो, अतीक से जुड़े लोगों के ठिकाने रहे हो, नवाब यादव का मामला रहा हो, या पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में जो पुराने माफिया, पुराने गुंडे हुआ करते थे, उनसे जुड़े मामले रहे हों, उनके मामलों में जो बुलडोजर का एक्शन रहा है वो न्याय का प्रतीक बनकर दिखा और उस एक्शन के जरिए सीधे चोट करने की कोशिश की गई उस मानसिकता पर जिसके जरिए जो कानून व्यवस्था पर लोग चुनौती खड़ी करते हैं। और अब इसी कड़ी में ये नई गहमा गहमी देखने को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दिख रही है। बिल्कुल अजय, सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर
आखिर आपको बता दें कि सवाल यही उठता है कि आखिर जिस तरीके से और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पर हमेशा से ही आपको प्रॉब्लम होती है और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर हम गोरखपुर की तरफ भेज देंगे, क्या है ये? आप इतना व्यग्र और इतना भयाक्रांत क्यों है? जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था तब आवाज खड़ा करने के बजाय सिर्फ समाजवादी लोग बुलडोजर का अगर नाम भी ले रहे हैं तब भी इतना मीडिया जगत में और पूरे भारत में और बीजेपी में दहशत क्यों है? जो आपने किया है आज यू सो सो शैल यू रिप, आप जैसा करेंगे वैसा काटेंगे। लेकिन मनोज काका ये बताइए, आप तो बुलडोजर के खिलाफ रहते हैं ना, आप तो बुलडोजर के खिलाफ रहते हैं, समाजवादी पार्टी तो प्रश्न पूछती है, तो ऐसे में बुलडोजर का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? आपको तो पसंद नहीं है बुलडोजर एक्शन, पहले ही आप कह चुके हैं आपकी पार्टी का स्टैंड रहा है। आप कितना भयाक्रांत आप दिख रही हैं भारतीय जनता। नहीं, नहीं, मैं पूछ रही हूँ सवाल मनोज काका जी, देखिए ये सब कह के बात पलटिए मत, ये टाइम वेस्ट होता है। आप अपनी बात रखिए कि समस्या क्या आ गई, अचानक से बुलडोजर का जिक्र बार बार क्यों आ गया? क्या आप बुलडोजर ही चलाएंगे? आप तो खिलाफ थे, तो आप क्या पक्ष में हो गए आप एक्शन के? मतलब सरकार एक्शन करे तो आप संतुष्ट रहेंगे ना, पक्ष में है ना समाजवादी पार्टी? आपको ये कहावत है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का जो भी व्यवहार कर रही है समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर सबका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सीधा सीधा कहानी है। आप तो फिर धमकी दे रहे हैं, अभी तो पार्टी की सरकार आई नहीं है काका जी। हम लोग किसी तरह की कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, लोकतांत्रिक रूप से और एक संवैधानिक बात कर रहे हैं। अगर आपने गरीबों का किसानों का बहुजनों का घर गिराया होगा तो जो आपके संरक्षण में लोग जो जमीनें कब्जा कर रहे हैं पूरे गोरखपुर में, पूरा घाघरा से और राप्ती से पूरा गोरखपुर। अच्छा मनोज काका जी, मुझे एक सीधा सा जवाब दे दीजिए, चिल्लाने की बजाय आराम से जवाब दीजिए कि अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? फालतू की बातें ना करिए, आपने फालतू की बात नहीं है, चिल्लाइए मत, आराम से जवाब दीजिए, अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? आप एंकरिंग पहले, अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? सीखो एंकरिंग, आप ये बताइए कि अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? तो देखिए सवाल का जवाब देने की बजाय उन्होंने फोन काट दिया। यही सवाल उठता है कि आखिर अपराधियों पर जब एक्शन होता है तो समाजवादी पार्टी को आखिर दिक्कत क्यों होती है? बुलडोजर एक्शन को लेकर हमेशा से ही विपक्ष सवाल उठाता रहा है और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि बुलडोजर अगर हमारी सरकार आती है तो बुलडोजर अब हम गोरखपुर भेजेंगे। तो देखिए किस तरीके से बुलडोजर को लेकर सियासत तेज हो रही है। दो हजार 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने सपना देख रहे हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय दुबे, देखिए समाजवादी पार्टी से जब जब सवाल पूछा जाता है वो ऐसे ही बचते हुए नजर आते हैं। बुलडोजर को लेकर समाजवादी पार्टी जो हमेशा से सवाल उठाता रहा है बुलडोजर की कार्रवाई पर, लेकिन अब वही समाजवादी पार्टी ये कहता हुआ नजर आ रही है कि अगर उनकी सरकार आती है तो गोरखपुर बुलडोजर भेज दिया जाएगा। आखिर क्यों ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हैं?